हेलो गाइस, इट्स मी अभिनव रामटेके। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, आज हम मोहब्बत वाले चाय भैया के पास जाने वाले हैं। जैसे कि नया स्पॉट दिखाने वाले हो आज सबको। नागपुर में ऐसा स्पॉट्स आपने देखा नहीं होगा। भैया ने एक ई ट्रक में जैसे कैफे कैसे डेकोरेट करते हैं वैसे। Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But it's too weird to it's sleeping soon. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow around to the window, singing stupid noise. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. हम मोहब्बत वाली चाय भैया के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि देख सकते हो भैया, आपका नाम क्या है? आशुतोष लंजेवार। तो भैया आपने यहाँ क्या क्या मिल जाएगा अपने को? अपने पास भैया मोहब्बत वाली चाय है, मोहब्बत वाली कॉफी, ठीक है। फिर चाय में वैरायटीज है, गुड़ वाली चाय मिल जाएंगी आपको, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, चॉकलेट चाय, उसमें रोस्टी मिल जाएंगी, शुगर फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ग्रीन टी मिल जाएगा, ग्रीन जिंजर लेमन टी, ब्लैक टी में ब्लैक टी, ब्लैक लेमन टी, फिर ब्लैक में ब्लैक जिंजर लेमन टी। और भैया मैंने देखा करके आप वो कुछ यानी मिट्टी वाले इस पे भी देते हो आप चाय? देता हूँ मैं चाय। कुल्लड़ वाली भी चाय मिलती है, इसका कुछ अलग रेंज रहता है क्या? ये मैं कुल्लड़ में देता हूँ चाय। नॉर्मली चाय का मेरा रेट दस ही रुपए चाय का, और बाकी का एकदम रीजनेबल है जैसे शॉप में मिलता है बाकी के। बस वही है ना। हाँ। और क्या मिलेगा अपने पास? अपने पास कुकीज मिल जाएंगे। कुकीज? हाँ। सभी तरह के मेरे पास फिलहाल में 5 वैरायटी कुकीज, 5 वैरायटी। हाँ। ड्राई फ्रूट है, जैम फ्रूट है, हाँ। ठीक है। फिर उसमें खोबरा का है, हाँ। कोकोनट, हाँ। जीरा है, उस्मानिया खत्म हो गया मेरे पास, उस्मानिया बहुत ज्यादा चलता है मेरे पास। और क्या मिल जाएगा? और फिर आपको चाय में और बस वही है मेरे पास, वही है। और बाकी और कुछ चीज रखते हो? बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, ये सिगरेट भी मिल जाएंगे। जो कंपनीज की सिगरेट है वही, हाँ। ज्यादा बाहर की नहीं, बैन सिगरेट है वो नहीं रखता मैं, बैन सिगरेट नहीं, एकदम यानी पूरा ये वाला काम है, लीगल काम है। आराम से बैठ सको। और मोहब्बत वाली चाय में कुछ प्यार वाला या कुछ है क्या इसके ऊपर? बिल्कुल भैया, बहुत बड़ा प्यार है हमारा वाला, प्यार है। ऐसा है कि नाम ही ऐसा हमारा मोहब्बत वाली चाय, क्योंकि चाय से बहुत मोहब्बत है मेरे को, चाय से बहुत मोहब्बत है। ऐसा यानी दो लोगों को मिला सकती है क्या ये चाय? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल मिला सकती है। दो लोगों को मिलाने के लिए चाय बनी है, दो लोगों को मिलाने के लिए चाय। और भैया आप यहाँ पे कितने दिन से लगाए हो? मेरा सर आज का पांचवा छठवा दिन है। और भैया ये सेटअप यानी एकदम से कैसे क्या आपको ख्याल आया? सेटअप का ख्याल सर मेरे पास 5 साल से था। मेरा जब पढ़ाई चल रहा था तब मैं भुवनेश्वर गया था, वहाँ पर मैंने तंदूरी चाय पिया था। मुझको भी लग रहा था मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, जॉब करना चाहिए, बट कई ऐसा लगता था कि जॉब से अच्छा प्राइवेट, मतलब प्राइवेट जॉब से अच्छा
वो खुद का काम करो, भले चाय की टपरी क्यों ना हो, वही दिमाग में बहुत दिनों से बहुत सेटअप वो 5 साल से चल रहा था मेरे दिमाग में। तो रिसेंटली हाँ, फिर मैं जॉब भी किया, 4-5 साल पढ़ा भी, जॉब भी किया, फिर उसके बाद में ऐसा लग रहा था, एक पॉइंट आया कि लगा कि अभी जॉब नहीं करना चाहिए, अभी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा लोन निकाला और कुछ सेटअप था माइंड में कि अगर करना भी है तो एक टेबल लेके नहीं करना है, एक सेटअप, थोड़ा सा एक सेटअप ऐसा लोगों को लगे कि कुछ क्रिएटिविटी हुई है, लोग आए यहाँ पर सिर्फ चाय के ना तो देखने के लिए भी आए दुकान, उस चीज़ के लिए आए, मतलब दोनों चीज़ मिल जाए उनको, एक कम्फर्ट जोन मिल जाए बैठने के लिए, एक उनको लुक चाहिए रहता है कस्टमर के ना, जितना दिखेगा उतना बिकेगा, इसके ऊपर ज्यादा दिल रहा हूं। यानी पूरे नागपुर के हिसाब से यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं, और इतनी सारी चीजें एक इतु से यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक में अवेलेबल करना तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो वही यानी आपने कौन सा क्या क्या क्वालिफाई किया है अभी तक? मेरा सर बीबीए हो चुका है, ग्रेजुएशन बीपीएड हो चुका है, मेरा 3 टाइम नेशनल खेल चुका हूँ, आर्चरी स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ मैं, 3 टाइम नेशनल आर्चरी खेल चुका हूँ, और अमेजोन में जॉब करता हूँ इसके बारे में। ठीक है ना सर, तो गाइस आप भी एक बार विजिट जरूर कीजिए चाय वाला। वैसे आपका एड्रेस कहाँ है? एड्रेस सर VCA के सामने में और ursulla स्कूल के बाजू में। कौन सी स्कूल? ursulla, सेंट ursulla स्कूल के बाजू में, सेंट ursulla, हाँ ursulla स्कूल के बाजू में। तो गाइस आप जल्दी से जल्दी जाके विजिट कीजिए, भैया का नाम यानी आशुतोष है, तो मोहब्बत वाली चाय जरूर पीजिए, दो लोगों को एक मिलाती है सब। सो गाइस कैसी लगी आपकी चाय? तो देख सकते हो आप कितनी भीड़ें आते हैं, और भैया भी बिजी है अभी, तो अभी तो बहुत भीड़ थी। तो हम पब्लिक से पूछते हैं यहाँ की चाय कैसी लगी और कैसा यहाँ का रिव्यू। देख सकते हो यहाँ की वीडियोस, और अंकल लोग चाय पी रहे हैं, हम अंकल से पूछेंगे यहाँ की चाय कैसी लगी और पब्लिक रिव्यू दिखाएंगे आपको। तो अंकल यहाँ की चाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वादिष्ट। अंकल को बहुत पसंद आई है चाय, और अंकल खुश हो गए मोहब्बत वाली चाय पी के। तो बिल्कुल मोहब्बत वाली चाय है, बहुत ही बढ़िया। अंकल बहुत खुश हो चुके हैं, और आओ आप भी आओ, बहुत जन आते रहो अंकल चाय पीने के लिए, रेगुलर हैं भाई अंकल लोग, रेगुलर हैं, अंकल को बहुत पसंद है चाय, और आपको पब्लिक रिएक्शन दिखाते रहेंगे हम, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। और अंकल बहुत दूर से आए हैं चाय पीने के लिए, तो बहुत और भी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे आपको, तब तक के लिए मिलते हैं। ये नेक्स्ट अंकल है कटनी से। अंकल आपने चाय टेस्ट करी आपकी? हाँ चाय बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आप सुन सकते हो बहुत अच्छी थी चाय अंकल की, थैंक यू। हमारे जबलपुर में भी खुला है, नागपुर आते रहो अंकल। भैया की चाय बहुत पसंद आ रही है सबको, बहुत भीड़ हो गई थी अभी आपने देखे जैसे कि पब्लिक रिएक्शन वगैरह, तो भैया क्या बोलना चाहोगे? खुश हो? बहुत खुश हो, बरकत होगी, बरकत होगी, प्रेम है तो बरकत होगी, अल्लाह आपको बरकत दे जल्दी, बिल्कुल। देख सकते हो गाइस, तो जल्दी जल्दी आओ, जिसने शॉप देखी है और जिसको नहीं पता है तो हम एड्रेस लिंक में दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर आना और मोहब्बत वाली चाय पी के देखना। लवर्स लोग जल्दी आना। पर भैया से एक बार जस्ट टाइमिंग पूछ लेते अपन, कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है? तो भैया टाइमिंग क्या है इसका? मॉर्निंग में 11 बजे से रात के 10:30-11 बजे तक, रात के 10:30-11 बजे तक रहता है, 10:30-11 बजे तक, कभी कभी ज्यादा भी टाइम हो जाता होगा, थोड़ा हो जाता है, बट यहाँ पर कैसा हो जाता है टाइम हो जाता है, बाकी 11 बजे तक मिल जाता, बाकी 11 बजे। और 7 डेज चालू रहता है ना? 7 डेज में संडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है बस। ठीक है ना, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और या शॉप पे आके मोहब्बत वाली चाय ज़रूर पीना, भैया का बहुत सारा प्यार है इसमें, इसलिए मोहब्बत वाली चाय नाम है इसका, ज़रूर भैया बिल्कुल मोहब्बत वाली चाय आइए, मोहब्बत वाली चाय पी के जाइए, पी के देखिए, और एक बार विजिट ज़रूर करिए। एक और बार फिर से आपको भैया बता दे रहे करके कहाँ पे है ये जगह? अपना शॉप है VCA के सामने में और ursulla सेंट ursulla स्कूल के बाजू में, तो ज़रूर आइए और विजिट कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।